प्लेयर्स ने इंडिया के फ्लैग को लहराया तो ठीक है, अच्छी बात है। क्यों लहराया अच्छा इंडिया के फ्लैग को, मुझे बताएं तो सही है। नहीं, एक पॉजिटिव चीज जाती है सरकार। अच्छा जी जी, हमारे कश्मीर को, हाँ हमारे कश्मीर से वो जो जुल्म कर रहे हैं वो क्या, तो फ्लैग के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो इसके अलावा ये हमें या ये मुझे या आपको कैसे पता चलेगा कि ये दिखावे के लिए कर रहे हैं या फिर ये वाकई दिल से कर रहे हैं। देखिए आप ये जो है ना दिलों के भेद, जैसे कि आप भी जानते हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, हमें जो नजर आ रहा है हम उसी के मतलब बात कर सकते हैं। जैसे कि आपने फ्लैग देखा और अब उसके दिखावा भी हो सकता है, दिखावे के पीछे उसका कोई मुफाद भी हो सकता है। इंडिया में आपको नहीं पता, आपको भी पता होना चाहिए, पता होगा क्या बताएं कि वहाँ पे नमाज पढ़ने पे पाबंदी है, पर्दे पे पाबंदी है, इस्लामी यूनिवर्सिटियों में औरतों पे, मुसलमान औरतों पे कितनी सख्ती है और बाकी मुसलमानों पे जुल्म है। पाकिस्तान के शतरंज खिलाड़ियों का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वो भारतीय झंडे के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। इसको देखकर पाकिस्तानी लोगों का जज्बा फट पड़ता है। पाकिस्तानियों का कहना है कि हमें तो हमारी सरकार रोक देती है, बॉर्डर पे जाते हैं तो हमें बॉर्डर पार करने नहीं देती है, नहीं तो हम फिलिस्तीन कश्मीर हर जगह जो मुसलमानों पर जुल्म होता है उन सभी को हम लोग जाकर रोक देते हैं। दोस्तों देर ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, शोएब चौधरी का वीडियो है तो जाइएगा उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सर मेरा नहीं ख्याल बेहतर चीज़ है। अच्छा क्यों? सर देखें, आप इंडिया को अगर इस नीयत से सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हम जिस बात में मुत्तफिक हैं। अच्छा। ठीक है, अब जैसे कि फलस्तीन पर जुल्म हो रहा है। अच्छा। ठीक है, इंडिया वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। नहीं इस देखें, इधर एक थोड़ी सी मैं आपको बात करना चाहूँगा जो साथ करेक्शन भी करनी चाहिए। अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर USA में गए और फलस्तीन के वहाँ के हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात की और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ इंसानियत की बुनियाद पे। इसके अलावा और लॉजिक बताएं कोई। सर एक मुनाफ़त भी होती है ना, देखें ऊपर ऊपर से वो बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो इंडिया का है। अच्छा। वो सारी इंडिया हिंदुइज्म है जो भी। अच्छा। वो किन की साइड दे रहे हैं, वो तो सोशल मीडिया पे आप देखें इसराइल की साइड दे रहे हैं ठीक है, उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा चले एक मिनट में आपको बताता हूँ, हालांकि मैंने आपको लॉजिकल बात की है, हम भी तो कश्मीर करते हैं, हमने कश्मीर के लिए क्या किया बताएं। हमने सरकार कश्मीर के लिए, हमें हुकूमत इजाजत देगी तो हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे। हम मेरा काम गाड़ी रेंट का काम है। अच्छा। मैं पता नहीं कराची जाता हूँ, मैं सखर जाता हूँ, झंग जाता हूँ, हर जगह पाकिस्तान में पूरा फिर रहा हूँ। हम बॉर्डर पे जाते हैं, हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाता। क्यों नहीं करने दिया जाता जी? नहीं तो आप किसी दूसरे कंट्री में तो नहीं ना बॉर्डर। ये तो बात कर रहा हूँ सरकार। अच्छा। अब वहाँ पे चले गए हैं, हमारा सारों का जमीर मर चुका है। ये जो फलस्तीन वाले हैं ये यकीन करो हमें बदवाएं दे रहे हैं। अच्छा नहीं, आप अगर चल जाते हो बॉर्डर क्रॉस कर ले तो क्या करोगे जाके? मैं बॉर्डर क्रॉस करने की ये बात कर रहा हूँ सरकार। देख हम बॉर्डर पे जाते हैं ना, हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाता। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा क्यों नहीं करने दिया जाता? कि ये हुकूमत है। अच्छा हमें ये मना किया गया है कि आप सरकार। हम यही बात करना चाहते हैं कि जब हम वहाँ पे इजाजत कह रहे हैं कि हमें आप जाने की इजाजत दें, फलस्तीन पर अगर आप हुकूमत नहीं जाती हम जाने के लिए जाके क्या करेंगे सरकार जी? मैं जाके बंदों पर भारी हो जाऊंगा कैसे? फलस्तीन के ऊपर जितना जुल्म हो रहा है ना, ये क्या कर रही है हुकूमत? नहीं आप क्या करेंगे ना, आपके पास कोई चीज है? अल्हम्दुलिल्लाह सरकार वो कहते हैं सादगी पे मत जाएं। अच्छा सादगी पे मत जाएं, मुझे ये ना देखें कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं। हाँ। आप मुझे एक दफा जमा के देखें। ठीक हो गया, मैं कोई पाई हूँ, कोई खुसरा नहीं। अच्छा। मैं तो ये कहना चाहूंगा ये उस वक्त ठीक है, इन्होंने तो अपनी तरफ से मोहब्बत का इजहार किया है, बिल्कुल की अच्छी, और हर मौके पे सिखों के साथ भी हिंदुओं के साथ भी करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ नफरत का बगावत का जैसे ये मोदी साहब करते हैं, क्या करते हैं वो भी मुसलमानों के खिलाफ है। अच्छा। इनको ऐसे कर दो वैसे। अब इंडिया में आपको नहीं पता, आपको भी पता होना चाहिए, पता होगा क्या बताएं कि वहाँ पे नमाज पढ़ने पे पाबंदी है, पर्दे पे पाबंदी। अच्छा। है इस्लामी यूनिवर्सिटियों में औरतों पे, मुसलमान औरतों पे कितनी सख्ती है और बाकी मुसलमानों पे जुल्म है। जो बातें की है कि मुझे पता है, अगर मेरे पता होने पे आए तो आपने बोला ना उधर मुसलमानों पे नमाज पढ़ने पे पाबंदी है। मैं कहता हूँ कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दुनिया के किसी कंट्री में मुसलमानों पे नमाज पढ़ने पे पाबंदी हो, भाई आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो आपको पता है कितनी मस्जिदें हैं इंडिया में, आपको पता है, और आपको पता है उधर जामिया मस्जिद दिल्ली या इस तरीके से कितने बड़े इजमा होते हैं कि शायद पाकिस्तान में उतने बड़े बड़े इजमा होते हैं। इधर से ज्यादा मुसलमान उधर है, लेकिन मुसलमानों पे पाबंदियां भी उससे ज्यादा है। अच्छा तो आए दिन हम खबरों में सुनते रहते हैं, जुल्म देखते रहते हैं, मार कुटाई, कत्लों का ये पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक ऐसे ही चलता आ रहा है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि कश्मीर में भी है। अच्छा, अब ना 10 बंदे वहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, ना आजादी से कोई नेकी का काम कर सकते हैं। ये तो हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया पे ये चीजें बताई जाती है ना कि उधर कश्मीर में लोग नहीं इकट्ठे हो सकते, इंटरनेट नहीं चल रहा, लेकिन रियलिटी आपको पता है कि भाई वाकई आपने कभी कश्मीर का विजिट किया या आपने पाकिस्तान के अलावा किसी और मीडिया को सुना हो? इंडिया के मीडिया को सुना, खाली जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान के मीडिया को सुने। अच्छा बाकी यूरोप के मीडिया को सुनते हैं, मीडिया पे भी आता है के इनके अंदर बगावत कितनी है और नफरत कितनी है मुसलमानों के खिलाफ। नहीं ये इन्होंने अच्छा किया है, खिलाड़ियों ने परचम अपना लहराया, मोहब्बत का इजहार किया, इंडिया का फ्लैग लहराया, फ्लैग लहराया, लेकिन उनका भी तो बनता है ना कि खिलाड़ियों पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मोहब्बत करें। ठीक है, नहीं उनका उनकी भी एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे अर्शद नदीम जो रिसेंटली गोल्ड वो तो इनका इकट्ठा था, वो पाकिस्तानी थे लेकिन उनसे रिलेशन, उनसे दोस्ती बड़ी अच्छी रही है, जो इंडिया के थे जैवलिन थ्रो के प्लेयर थे उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है वहाँ पे, उनका मोहब्बत ही उनकी माओ ने बयाना दिए हक में। अब ये फ्लैग लहराया, लेकिन ये तो उस वक्त ठीक रहे ना जब कश्मीर में
अमन अमान हो जैसे पाकिस्तान में। ठीक है, अच्छा कश्मीर में आपने कश्मीर की बात की है ना, मैं आपको बता दूं उनके पॉलिटिशियंस, उनके जो मिनिस्टर्स हैं आए दिन उनकी गवर्नमेंट कश्मीर का विजिट करती है और वहाँ पे वो जो भी मतलब उनके इश्यूज हैं उनको सुनती है। कभी उनके प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का विजिट कर रहे होते हैं, कुछ दिन पहले की खबर है इलेक्शन हो रहे थे, कभी उनके होम मिनिस्टर ने कश्मीर का विजिट किया, अभी उनके सीएम है मेरी बात सुने उन्होंने भी कश्मीर का विजिट किया, वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान साइड कश्मीर भी जा रहा है कि भाई ठीक है इंडिया के साथ मिल जाए। वो दिखावा आए दिन दिखावा करते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हम भी दिखावा कर ले, अगर दिखावा है तो हम भी दिखावा करके दुनिया को दिखाएंगे कश्मीर में बड़ी हम तो काम उनके हक में। हमारा रिलेशन सिर्फ वो मुल्की हद तक नहीं है, हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह यौमे यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को मनाते हैं। अच्छा। इनका जुल्म खत्म, अगर हमारे अंदर गैरत हो, हमारे अंदर यूनाइटेड इत्तेहाद इत्तेफाक हो तो ये जुल्म, ये उनका हक चंद मिनटों में ले सकते हैं। अच्छा। और हमारी कोई कैसे लेंगे? सियासी मतलब जमात को अगर मौका मिले तो कैसे कश्मीर किसी भी सियासी दीनी जमात में इतना पानी नहीं है। अच्छा। इत्तेफाक नहीं है ना मुखलस है। अच्छा। अगर मुखलस हो हमारी मीडिया समेत तो अब तक ये काम हल हो जाना। नहीं, ये कश्मीर का इशू 78 साल से सुनते आ रहे हैं जी कश्मीर लेंगे कश्मीर लेंगे, इसका मतलब 78 साल से पाकिस्तान को कोई मुखलस लीडर ही नहीं मिला जिसने कश्मीर लेना था। 78 साल में कोई कौन मुखलस होकर चला है हमारे साथ कश्मीर के हवाले से? फलस्तीन में कितना जुल्म हुआ? अच्छा, बाहर के लोग पाकिस्तान ने क्या किया फलस्तीन के लिए मुझे बताया? पाकिस्तान से बाहर के हमारे दूसरे भाई फिर उन्हें मुल्क है वो आवाज उठाते, हमारे हुक्मरान नहीं उठाते, हमारे अपने लोग नहीं उठाते, की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो देखे ना, जब आप ये कहेंगे कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, आप ये कहेंगे कि उधर, आपको लगता है आज इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, आपको लगता है आपकी क्या ओपिनियन है? मतलब 2024 है, सोशल मीडिया का दौर है, अगर जुल्म हो रहा हो हमें तो आए दिन वीडियोस मिल जाए, देखो ये भी जुल्म वो भी जुल्म। यस राइट, बिल्कुल ऐसी बात है। आपको लगता है नहीं जुल्म ऐसे नहीं करते वो लोग, जैसे कि हमारे कोई त्यौहार होता है ना, हाँ जितनी जैसे कि हमारा कोई त्यौहार होता है ना पाकिस्तानियों का मुसलमानों का, तब वो जाना तशद्दुद करते हैं। कौन सा त्यौहार नहीं मनाने देते वहाँ पे? ईद का त्यौहार नहीं मनाया जाता, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, बाकी मामला कुर्बानी नहीं करने देते खुल के। ठीक है, चले जी, देखने वाले ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि गाय की कुर्बानी का इशू है वो देखे ना, मजहब का मामला एक साइड पे हम कह रहे हैं हमारी। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, आपने पाकिस्तान के लोगों के जो दिलों में जो नफरत है उसको आप लोगों ने देखा, इन लोगों का ना जाने इन लोगों को कहां से पता चल जाता है कि इनको कौन सी मीडिया इन लोगों को दिखाती है। मुझे पता है कि कौन सी मीडिया इन लोगों को दिखाती है, इनके यहां पे जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान के जितने भी मीडिया है वो सिर्फ दिन रात भारत भारत, क्योंकि टीआरपी नहीं मिलेगी इसीलिए वही मीडिया देखकर इन लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है। इन लोगों को कभी नहीं दिखाई देगा कि कश्मीर में इतने सारे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कश्मीर में तरक्की की जा रही है, जितना पाकिस्तान का बजट नहीं है उससे ज्यादा, अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान को $7 मिलियन का IMF से लोन मिला है, उससे कहीं ज्यादा कश्मीर में इन्वेस्ट कर दिया है भारत ने, क्योंकि कश्मीर तो भारत का ही हिस्सा है, तो मैं यहाँ पर भारत और कश्मीर दोनों को अलग नहीं बल्कि एक ही साथ बोल रहा हूँ। दोस्तों पाकिस्तान के लोगों के अंदर में मतलब ये किस तरह की एक जहन डाल दी गई है कि जो मुसलमान है भारत में उनको हिंदू उनके त्योहारों पे, आपने वीडियो में भी सुना कि जो मुसलमान अपना त्यौहार मनाते हैं तो हिंदू इनको त्यौहार मनाने नहीं देते। अभी हाल फिलहाल में कोई त्यौहार मना, कोई नबी का जन्म दिवस था या कुछ था, उसके लिए प्रॉपर पूरी की पूरी सिटी बंद कर दी गई, पूरे रोड को खाली कर दिया गया, पूरी पुलिस प्रोटेक्शन से लेकर हर चीज, जगह जगह पे हिंदुओं ने शरबत से लेकर बहुत सारे ऐसे सेवा के कार्य किए हिंदुओं ने किए, लेकिन पाकिस्तानियों को इन सब चीजों को नहीं दिखेगा, इनको बस दिखेगा कि वही एक कोई मुस्कान नाम की लड़की थी कर्नाटका में, उसके हिजाब का लेकर एक इशू हो गया था जो कि उस लड़की की गलती थी उसमें, क्योंकि हमारे देश में जितने भी सरकारी कॉलेज है, सरकारी जितने भी शिक्षण संस्थान है, वहां पर एक ड्रेस कोड होता है, हम अपने हिंदू धर्म का कोई भी पहचान लेकर हम उस कॉलेज में उस स्कूल में नहीं जा सकते हैं, तो किसी भी और भी रिलीजन को वहां पर जाने की अनुमति नहीं है, तो उसको लेकर बस ये लोग एक ही चीज को लेकर पकड़ के बैठे रहते हैं कि बस मुसलमानों के औरतों के साथ में पाबंदियां होती है, नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है। अरे मेरे भाई, मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, अभी मेरे खिड़की के सामने से दिन में 5 बार की नमाज की आवाज़ें आती है, जो कि यहाँ से दोस्तों मस्जिद है लगभग 1 किलोमीटर दूर है, फिर भी क्लियर आवाज आती है, 5 बार मस्जिद की अजान की आवाज मेरे घर तक आती है। आप लोग ऐसी ऐसी बातें करते हो कि यार मुझे सुन के हंसी आता है। खैर क्या कहिएगा दोस्तों, पाकिस्तान के शतरंज खिलाड़ियों ने झंडा उठाया तो इन लोगों को काफी ज्यादा मिर्ची लग गई है। इन लोगों का कहना है कि हमारे खिलाड़ी ने भारत के परचम के साथ में अब झंडे के साथ में फोटो खिंचवाया है, तो अब भारत के खिलाड़ी भी पाकिस्तानी झंडे के साथ में फोटो खिंचवाए। तो अब आप लोग ही कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि क्या सचमुच में ऐसा करना चाहिए, और पाकिस्तानियों की सोच के ऊपर में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, एक सब्सक्राइब कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, रियल एंटरटेनमेंट के शोएब चौधरी का वीडियो है, तो जाइएगा पूरा वीडियो देखिएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।